आज का हमारा ये वीडियो बिगनर स्टूडेंट के लिए है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं विदाउट कोचिंग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर हम पहले ही दे देते हैं। जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, या आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, या आपके बहुत अच्छे परसेंट आते थे या आपके कम परसेंट आते थे, इससे आपके सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी टाइम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपने आप को ऑलराउंडर बनते देखेंगे, मतलब आपको सारी फील्ड का नॉलेज मिलेगा। तो आपको यह तो समझ में आ गया कि प्रिपरेशन करने का प्लस पॉइंट क्या है। मान लेते हैं आप बिगनर हैं, यानी आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीएससी का पैटर्न समझना होगा, फिर सिलेबस काफी बड़ा है, इसे 2-3 बार पढ़ें। स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एमपीपीएससी के वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और कई स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको वीडियो से समझ में नहीं आता, उनको सामने समझने में कम्फर्ट होता है। तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं और उनसे उनकी प्रिपरेशन का पैटर्न समझ लें, और ज्वाइन करना और नहीं करना इट्स डिपेंड ऑन यू। तो स्टार्टिंग करते हैं एनसीईआरटी से। तो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी आपको 6th to 12th क्लास की पढ़नी है, जनरल स्टडीज की। इसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सभी सब्जेक्ट की आपको लगभग 45 बुक मिलेगी, Part 1 और Part 2 को मिलाकर। तो क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो जैसे आप पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की पॉलिटिक्स की सारी बुक्स को पढ़ें। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास के बढ़ने के साथ साथ सब्जेक्ट का लेवल भी बढ़ता जाता है, तो एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपकी 2.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। और आप एनसीईआरटी को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बना लें, और यदि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को पहले ही देख लें, तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका मेन फोकस उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक पर होगा। अब आपको एक बात क्लियर कर दें कि हम कोचिंग नहीं जाने की सलाह नहीं दे रहे हैं। यदि आपकी कोई मजबूरी है, फीस की प्रॉब्लम है, आप कोचिंग से बहुत दूर रहते हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको यह बता रहे हैं। सेकंड है ज्वाइन लाइब्रेरी। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकतर जगह पर लाइब्रेरी फ्री होती है, बट कुछ जगह पे चार्जेस होते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो आप प्रिपरेशन के लिए लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइब्रेरी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने डाउट उनसे क्लियर कर सकते हैं। आप अपने लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही होगा। थर्ड है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपका बेस बनाने में हेल्प करेगा, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से न्यूज़पेपर को सेलेक्ट करें। अब बात आती है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स, इससे आपकी लैंग्वेज पर कमांड बनेगी। इसका प्लस पॉइंट आपको मेंस में मिलेगा। इसके बाद एडिटोरियल, नेशनल न्यूज और लास्ट के पेज में इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ें। और यदि कभी भी एजुकेशन और हेल्थ और प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो उस पर ध्यान दें, उसको शॉर्ट में नोट कर लें। नेक्स्ट है इंटरनेट। अब आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो आप एक अच्छी सी सिम ले लें और इंटरनेट का सही से यूज करें। आपको प्रिपरेशन करते टाइम किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो उस टॉपिक का आप वीडियो देख सकते हैं और कमेंट करके आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे अनअकैडमी। इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियोज मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डेमो क्लासेस। स्टार्टिंग में कुछ डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स को पूछ सकते हैं, और आप फ्री सेमिनार्स को भी अटेंड कर सकते हैं। अब आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ली और न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हैं, तो आप एडवांस बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज बुक।
अब आप सब्जेक्ट वाइज बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। अब टाइम है टाइम टेबल को फॉलो करने का, तो आप हमारे चैनल पर जाकर टाइम टेबल का वीडियो देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल खुद बना लें और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज। अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ते पढ़ते टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका पैटर्न और फोकस किस किस पर करना है यह समझ आ जाएगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को साथ में देखते चलें। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सिलेक्शन कितने दिन में हो जाता है, तो यह पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कितना याद रख पाते हैं, क्योंकि यह तो आपको भी पता है कि सिलेबस काफी बड़ा है, थोड़ा टाइम तो आपको देना ही होगा। अब हमें तो नहीं पता कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा होगा, पर आप में से एक की भी हेल्प हो जाती है तो हमारे लिए काफी होगा। लास्ट में आता है रिवीजन। रिवीजन वर्ड आपने जब से पढ़ाई शुरू की है, जब से कितनी बार सुना है और अपनी कितनी सारी प्लानिंग्स बनाई होगी, तो हमारे हिसाब से रिवीजन आप 3 बार करें। जैसे किसी टॉपिक को आपने मंडे को पढ़ा है तो नेक्स्ट मंडे को फिर से रिवाइज करें के बाद फिर से रिवाइज करें। इससे यह टॉपिक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, तो रिवीजन आपको 3 बार करना है। लास्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और MPPSC की प्रिपरेशन, पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, टाइम टेबल, और यदि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारा मोटिवेशन वीडियो को बनाने से लेकर बना रहे, इसके लिए लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।